अमेरिका की T20 लीग यानी मेजर क्रिकेट लीग को इस बार नया चैंपियन मिल गया है। जी हाँ, जब आप सब सो के उठे और अपने अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब डेलास में MLC 2024 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। किताबी मुकाबले में वॉशिंगटन फ्रीडम ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स को 96 रनों से पीट दिया। दोनों टीमें पहली बार फाइनल खेल रही थी MLC 2024 का और दोनों तरफ ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर्स भरे हुए थे। एक तरफ वॉशिंगटन फ्रीडम के कप्तान खुद स्टीव स्मिथ थे तो दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स में आपको वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंग्स दिख रहे थे। इस फाइनल मुकाबले में स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में भी जगह नहीं बना पाए हैं, उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए 88 रनों की पारी खेली, जिसके मदद से फ्रीडम ने 5 विकेट पर 207 रन बनाए फाइनल मुकाबले में। इसका पीछा करते हुए यूनिकॉर्न्स की बैटिंग पूरी तरीके से फेल रही और पूरी टीम 16 ओवर में 111 रनों पर ही सिमट गई। इस तरह वॉशिंगटन फ्रीडम ने MLC 2024 की ट्रॉफी अपने नाम की। अब पूरे मैच की बात करें तो यूनिकॉर्न्स के कप्तान कोरी एंडरसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो उल्टा पड़ गया। स्टीव स्मिथ, जिन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 की ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह नहीं मिली थी, उससे पहले IPL में भी वो अनसोल्ड रहे थे, लेकिन स्मिथ ने मेजर लीग क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ी पारी खेली। स्मिथ ने कप्तानी पारी खेलते हुए 52 गेंदों पर 88 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 6 छक्के देखने को मिले। वहीं ट्रेविस हेड केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन स्मिथ एक छोर पर टिके रहे, जबकि 22 गेंदों पर 40 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। मैक्सवेल ने अपनी पारी में 4 छक्के लगाए और दोनों के बीच 38 गेंदों पर ही 83 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी देखने को मिली। बाकी और कोई बल्लेबाज तो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। वहीं यूनिकॉर्न्स की तरफ से पैट कमिंग्स ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद टारगेट का पीछा करने उतरी यूनिकॉर्न्स के बल्लेबाजों को स्टीव स्मिथ के गेंदबाजों ने ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया। दूसरी ओवर में ही जैक फ्रेजर मैगर को मार्को येंसन ने पवेलियन भेजा, जबकि चौथे ओवर में सौरभ नेत्रवलकर ने संजय को आउट किया और फिर पांचवें ओवर में मार्को येंसन ने चैलेंजर मुकाबले में शतक लगाने वाले फिन एलन को केवल 13 रन पर बोल्ड कर दिया और यूनिकॉर्न्स को बड़ा झटका दिया। इसके बाद तो एक एक करके सभी बल्लेबाज आउट होते गए। टीम के लिए सबसे बड़ी साझेदारी चौथे विकेट के लिए देखने को मिली, जो 21 रनों की हुई। 53 रनों पे आधी टीम वापस पवेलियन जा चुकी थी और देखते ही देखते 16 ओवर के आखिरी गेंद पर यूनिकॉर्न्स की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और वॉशिंगटन फ्रीडम ने खिताब को अपने नाम किया। बल्ले से स्मिथ और मैक्सवेल के बाद गेंद से मार्को येंसन और रचिन रविंद्र ने 3-3 विकेट लेकर इस खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। स्मिथ को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में अपनी बैटिंग का दमदार प्रदर्शन करने वाले ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।